हेलो एवरीवन, पीहूस किचन में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रोज़न कॉर्न बनाने की रेसिपी, यानी कि भुट्टे के दाने को हम किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं जो सालों साल ख़राब नहीं होते। हम इस कॉर्न को इस्तेमाल करके पिज़्ज़ा टॉपिंग बना सकते हैं या फिर सैंडविच बना सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगे। तो चलिए देखते हैं फ्रोज़न कॉर्न कैसे बनाते हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे भुट्टे। जो मार्केट में फ्रेश भुट्टे आते हैं ना, बस वही हमें लेना है। सूखे हुए भुट्टे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो फ्रेश होते हैं दूध वाले, बस वही लेना है। सबसे पहले तो हम इसे इस प्रकार से कट कर लेंगे। ये हाथ से ही कट हो जाते हैं। उसके बाद हमें इसके ये कॉर्न निकाल लेना है। तो ये कॉर्न निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जो बहुत जल्दी नहीं निकलते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीच में से कोई भी एक दाने की लाइन हटा देंगे। उसके बाद अंगूठे की मदद से इस प्रकार से पकड़ कर इसे दाने निकाल लेना है, जो बहुत जल्दी और आसानी से निकल जाते हैं। बस यही सबसे ज़्यादा इजी टेक्निक है इसके सीड्स निकालने की। तो इस बार से अगर आप निकालोगे तो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। अगर आपके पास गजेट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी भुट्टे के दाने को निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल में इस सभी भुट्टे के दाने को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें डाल दिया 2 गिलास पानी। हमें इन दानों को अच्छे तरह से वॉश करना है, जो भी इसमें कचरा वगैरह हो वो सब निकल जाएगा। तो मैंने इसे वॉश कर लिया 3 से 4 बार अच्छी तरह से। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस कॉर्न को हमें बॉईल करना है। जिसके लिए एक बड़े से बर्तन में मैंने पानी गर्म कर लिया। इसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार और 2 टेबल स्पून जितनी चीनी। अब चीनी मैंने इसमें क्यों मिलाई है, क्योंकि जो हम स्वीट कॉर्न बोलते हैं ना, जिसकी मिठास बरकरार होती है स्टोर करने के बाद भी, इसलिए मैंने बस 2 टेबलस्पून चीनी डाल दी और 2 टेबलस्पून नमक। अब हमने सारे कॉर्न को इस पानी के अंदर डाल दिया है। हाई फ्लेम पर हमें इन सारे कॉर्न को बॉईल करना है, जब तक कि ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट नहीं होते। जैसे जैसे ये बॉईल हो जाएंगे ना, वैसे वैसे ये ऊपर आते जाएंगे। सभी कॉर्न ऊपर आने के बाद ये इसका साइन है कि ये कॉर्न अच्छे से पक चुके हैं, मतलब बॉईल हो चुके हैं। इसे बॉईल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये फ्रेश होते हैं दूध वाले भुट्टे के दाने। और उसके बाद हम इसे पकाएंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे। तो अब हम इस भुट्टे के दाने को निकाल लेंगे और इसे हमें छानना है, मतलब इसमें का सारा पानी हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं एक बोल ले रही हूँ, इसके ऊपर मैं रख देती हूँ छन्नी और इस छन्नी के ऊपर सभी कॉर्न को डाल देंगे। आप चाहे तो इसे कोई भी कपड़े के ऊपर सुखा सकते हैं। तो हम इसमें के सारा पानी निकाल लेंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, मैं इसमें का हल्का मॉइस्चर जो है वो कम करना है। तो मैंने इसे फ़ैन के नीचे रख दिया था, 2 से 3 घंटे में ये सूख कर तैयार है। आप इसे कपड़े पे भी सुखा सकते हैं। तो अब हमारे स्वीट कॉर्न तैयार है स्टोर करने के लिए। आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर जिप लॉक पैकेट आपके पास है तो उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, जो 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप इस स्वीट कॉर्न को निकाल कर जब चाहे तब आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं या फिर सैंडविच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी यूज़फुल लगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।